जो हेड्स हैं उनसे मुलाकात करने की, आपके पास भी फोन आया नड्डा जी का? ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है ना, आपस में अगर कुछ नया काम होना है तो आपस में एक दूसरे से लोग बात करते हैं, तो आपस में बात हुई और उसके आधार पे अच्छा हुआ, जो कुछ भी हुआ है पूरे बिहार के हित में है, इसलिए रीजनल पार्टी हो या बीजेपी हो सबके लिए अच्छा। तेजस्वी कह रहे हैं कि 2025 तक जदयू खत्म हो जाएगी, इसका क्या मतलब समझते हैं? 2025 तक जदयू खत्म हो जाएगी तेजस्वी ऐसा कह रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? जहां थे वहां निश्चित रूप से वही स्थिति हो रही थी, लेकिन अब नीतीश जी आ गए हैं स्वाभाविक जगह, इसलिए यहां सब कुछ ठीक है, ठीक रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी, आपने कहा था कि नीतीश कुमार को कोई दिक्कत होगी तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए खड़ा है, क्या वही स्टेटमेंट अभी रहेगा? देखिए अब कोई खेला बाकी नहीं है, अब तेजस्वी जी कह रहे खेला बाकी है तो आज उनके घर में चूल्हा नहीं जला होगा, बाकी बिहार के लिए हर घर में खुशी है और सब कुछ जो कुछ भी होना था बहुत अच्छा हो गया। देखिए जेडीयू खत्म हो जाएगा, पहले अपनी चिंता करें आरजेडी के लोग, जिस तरह से बिहार के लोग उनसे परेशान थे, लोग चाहते थे कि यह सरकार जाए और दूसरी सरकार आए, तो आ गई सरकार। उपेंद्र कुशवाहा, अपने आप को 2024 में